उत्तर प्रदेश वीडियो चीफ दीपक तरंगा ग्वालियर में आए हुए हैं सीआरपी कैंप में और मेरे साथ हैं कमांडर रजनीश अहलावत जी। कमांडेंट रजनीश अहलावत जी, सर मैं पूछना चाहता हूं कि हाँ कैसा लगता है आपको और क्या सीआरपीएफ के बारे में कुछ पब्लिक को जानकारी दें। यहाँ पर हमारा ग्रुप सेंटर है जो कि 2011 में स्थापित किया गया था। उससे पहले वो शिवपुरी में था, कुछ कारणों से फिर उसको यहाँ शिफ्ट किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर भी है जिसको सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाता है। इसमें विशेष प्रकार की एडवांस ट्रेनिंग कराई जाती है और पिछले दो दिन से हम लोग यहाँ पर अपना 79th रेजिंग डे मना रहे थे, स्थापना दिवस। और उसी के दौरान यहाँ पर कुछ गेम्स भी कराए गए और विभिन्न प्रकार के जैसे प्लांटेशन भी किया हम लोगों ने। लगभग यहाँ पे हमने 1200 पेड़ लगाए पूरे कैंपस में 26 तारीख को, और 27 तारीख को हमने स्वच्छता अभियान भी चलाया यहाँ पे। और जो पन्नी जो होती है प्लास्टिक पॉलीथीन, उसके लिए हमने एक शपथ भी ली कि हम उसका बिल्कुल कैंपस में एटलीस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जहाँ तक हमारी जो बटालियंस हैं जो फील्ड में हैं उनको यहाँ से सपोर्ट किया जाता है। और हम पूरे भारतवर्ष में हमारी जो रिप्रेजेंट कर रही है सीआरपीएफ, और मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सब अच्छे से काम करें। और सीआरपीएफ का नाम तो आप जानते ही हैं, हम लोग आई थिंक बिगेस्ट आर्म्ड फोर्स है पूरी वर्ल्ड की, लगभग 3 लाख की नफरी है हमारी। सर अभी उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद जिला है, वहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद मानव सेवा समिति है, उन्होंने प्लांटेशन किए हैं, पौधे लगाए हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है। उन्होंने हर पौधे को एक वृक्ष को एक शहीद का नाम दिया, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन अनुज नैयर आदि नाम दिया कि ऐसा हमारे पूरे देश में नहीं हो सकता जिसे हमारे सीमा पर जो लोग जान दे रहे हैं अपनी, उनका पहचान बन सके। पेड़ों पर हम उनका नाम नहीं लिख सकते क्या? इसके बारे में क्या विचार है आपका? मेरे ख्याल से बहुत ही नेक कार्य आप लोग कर रहे हैं, और आपकी जो संस्था है उसमें मैंने भी पिछले साल आपके प्रोग्राम में को अटेंड किया था, और बड़े ही जोश के साथ आप लोग सम्मान देते हैं शहीदों को। और ये जो आपकी एक नई मुहिम है ये तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, और मैं तो इसकी तारीफ ही करना चाहूँगा, और क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश दीपक तरंगा।